वेलकम टू पाकशाला किचन। आज पाकशाला किचन में बनने जा रहा है समर स्पेशल टी, जो कि धूप से बचाएगा आपको, लू से बचाएगा और शरीर में एनर्जी प्रदान करेगा। तो ऐसी चाय मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो हमारे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा जरूर, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट बनाते हैं इसके लिए। तो इसके लिए हमें जो सामान लेना है, तो चुटकी भर गोल मिर्च लेना है, एक नींबू है, नींबू तो मुझे आधी चाहिए लेकिन एक नींबू लिए हैं, कुछ ये है पुदीना का पत्ता, 2 चम्मच चीनी, फिर चुटकी भर हमें चाय पत्ती चाहिए और 1 इंच अदरक को हम कद्दूकस करके ले लिए हैं। तो ये किसे कैसे बनाना है मैं इस वीडियो में बनाकर आपको दिखाऊंगी, ये बहुत ही एनर्जी देता है। तो एक पैन लिए हैं, उसको गैस पर चढ़ा दिए और इसी मग्गा से यानी इसी कप से हमें 2 कप पानी लेना है। आपको जितना आदमी का चाय बनाना है उतना कप पानी आप ले लीजिएगा। फिर चीनी ऐड कर देंगे हम, इसका चाय पत्ती डाल देंगे इसके अंदर, पुदीना का पत्ता हम डाल देंगे, फिर ये चुटकी भर गोल मिर्च है उसको डाल देंगे, अदरक को डाल देंगे, सबको इकट्ठा डालकर हमें इसे 1 से 2 मिनट तक खूब खौलाना है, खूब बॉयल करना है इस अच्छी तरह से। ये अच्छे तरीके से हमारा बॉयल हो जाएगा, खूब ये पकेगा तब ये चाय बहुत ही अच्छा लगेगा, यानी एनर्जी भी देगा, ताकत भी देगा और गर्मी धूप सबसे बचाएगा। तो ये हमारा चाय तैयार हो चुका है, इसे हम छान, तो इसे हम दोनों कप में छान लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये छान लिए हैं 2 कप में, मैं 2 आदमी के लिए बनाई हूँ इसे चाय को, तो इसे छान लिया। फिर छानने के बाद इसमें नींबू ऐड कीजिएगा, तो पहले नींबू इसमें ऐड नहीं कीजिएगा, बाद में हम जो चाय छान लेंगे तो नींबू डालेंगे। तो 2-2 बूंद हमें इसमें नींबू डालना है और इसे चम्मच से अच्छे तरीके से मिला देंगे। तो देखिए कलर इसका एकदम अलग हो गया है, एकदम अच्छा कलर आ गया है इसमें। ये शरीर में बहुत ही एनर्जी देता है, धूप से बचाता है, लू से बचाता है। तो इसे बनाकर बार बार पीजिए, गर्मी में बहुत फ़ायदा करेगा। तो ये देखिए पुदीना, ऐसे पुदीना ठंडा होता है और नींबू से विटामिन सी की प्राप्ति होती है। तो एक बार मेरी रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तो अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।